झोटवाड़ा रोड बरी पार्क जयपुर में स्थित महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में दिनांक 9 जून 2023 को विश्व प्रत्यान दिवस वर्ल्ड एक्रीडेक्टेशन डे के मौके पर प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संस्थान प्रभारी डॉक्टर बी आर मीना की जानकारी दी कि संस्थान के व्यवस्थाओं के लिए NABH मान्यता प्रदान की है एवं संस्थान ने अत्याधुनिक मशीनों से युक्त पैथोलॉजी प्रयोगशाला संचालित है, जिसमें उत्कृष्ट प्रयोगशाले जांच सुविधा रोगियों को प्रदान की जा रही है। डिजिटल एक्सरे के साथ रेडियोलॉजी सुविधा उपलब्ध है। संस्थान की उच्च गुणवत्ता युक्त प्रयोगशाला को NABL की मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्थान प्रयासशील है। अभी हाल ही में संस्थान प्रभारी डॉक्टर बी आर मीना को सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही उच्च कोटि की सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र नई दिल्ली में प्रदान किया गया। वर्ल्ड एक्रेशन डे 2007 में अस्तित्व में आया था, जो एक इंडियन फॉर्म ऑफ लेबोरेटरी है, उनके प्रयासों से ये स्थापना इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका मैक जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि हम सेवा प्रदाता और सेवा लेने वाले जो ग्राहक है उसके बीच का जो विश्वास है, उस विश्वास को गुणवत्ता युक्त जो सेवाएं हम दे सके उसके लिए ये एक्रेडिटेशन डे का मनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसके लिए अवेयरनेस लाई जा सके और वो अपनी जो सेवाएं लेते हैं और प्रदाता कंपनियां उसके प्रति एक दूसरे का विश्वास बढ़ा रहे और गुणवत्ता युक्त सेवाओं का उनको लाभ मिल सके। इसका जैसा कि आपको पता है, हमारे संस्थान द्वारा अभी NABH का एक्रेडिटेशन ले लिया गया है और हम इसके अंतर्गत पंचकर्म, OPD, IPD, लेबोरेटरी और विशेषकर रेडियोलॉजी की सेवाएं जो हमारे इसके द्वारा प्रदान की जा रही है, एक्रेडिट सेवाएं हैं वो। और आने वाले समय में संस्थान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हमारे रोगियों को जो गुणवत्ता युक्त हम सेवाएं प्रदान कर सके उसके लिए प्रयासरत है। और जो भी अन्य जैसे प्रयोगशाला के लिए हमें NABL जो मिलता है उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही ISO और अन्य जो भी सर्टिफिकेट है उन सेवाओं के लिए वो हम संस्थान द्वारा आगामी दिनों में जल्दी ही उसको लेने के प्रयास कर रहे हैं। NABH की मान्यता मिल गई है, साथ ही हम अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी 14th को, 14 तारीख को ब्लड डोनर डे के दिन भी एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सभी उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, संस्थान में ही इसके रक्त संग्रहण किया जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोगियों की जान बचाई जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनको ये ब्लड काम आ सके। तो मैं भी सभी से उम्मीद करता हूँ और सभी से वो कहता हूँ कि आम पब्लिक भी ज्यादा से ज्यादा आप उस दिन अपना रक्तदान के भाग लें। बता दीजिए, जैसे कोविड में भी हमने देखा आयुर्वेद काफी लोगों ने तो यूज भी किया और काफी कारगर भी आयुर्वेद रहा है। सर, हमारी जो प्राचीन पद्धति है वो भी आयुर्वेद है, मतलब तो लोग किस तरफ आयुर्वेद की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे? देखिए जी, आकर्षित तो लोग हो चुके हैं, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के जो अथक प्रयास चल रहे हैं आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ये पिछले आपने देखा होगा मोदी जी जब से आए 9 साल से आयुष मंत्रालय में इसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है और उसके लिए अनेक कार्यक्रम लोगों के जा रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी हम प्रयासरत है, वहाँ की नीतियाँ चेंज की गई है और एक आयुर्वेद को मेडिसिन औषध के रूप में और स्वास्थ्य लाभ प्रदाता की मुख्य उसके लेने के लिए प्रयासरत है सरकार। और अभी भी कोविड के दौरान आप जैसा